So hello guys, how are you? Good afternoon all of you. Today's video is going to be something special. So guys, will be new on the channel, so subscribe now. Guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले बिहार कोडिंग कैंपा के बारे में कितना जाने वाला है. इसके पहले जो वीडियो मैं बनाया था बिहार कोडिंग 2021 में कितना कटऑफ जाने वाला है, तो 2020 के जो कट ऑफ किया था उसके लेवल पे था, मतलब कि उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाया. तो आप लोग बहुत टेंशन में आ गए होंगे कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है, इतना हार्ड, मतलब कि उतना टेंशन मत लीजिए, उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा इस बार का. आप लोग भी जानते रहे हो कि इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया था इस बार बिहार कोडिंग में, तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया था जो बहुत कम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए हैं. मतलब कि इस बार आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन होगा. सो आप लोग को हम बता दें कि कितना नंबर पर सिलेक्शन होगा, कितना नंबर पर, मतलब कि कितना क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म ही हो जाएगा, और कितना क्वेश्चन पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा. तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग का कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, 30 क्वेश्चन से इस बार सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का. तो 30 क्वेश्चन में आप लोग भी टेंशन होगा, उसके भी इसके पहले वाला वीडियो को उतना देखे थे कि बहुत ज़्यादा लड़का डिप्रेशन में आ गया था, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला है. तो आप लोग टेंशन होते कि उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इतना ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन आया था तो लड़का बहुत कम क्वेश्चन कर रहा है, बहुत आप लोग का 30+ क्वेश्चन सॉल्व होगा तो कन्फर्म लगे कि मिल जाएगा 150 पे ऊपर कम से कम नंबर कॉलेज में मिल जाएगा. आप लोग जानते हैं कि इसके अगले बार उतना ज़्यादा लड़का फॉर्म भरा था, 3 लाख से भी ज़्यादा, तो उसमें उतना कम नंबर पर सिलेक्शन हो गया. 170 मार्क्स जिसके आया था उस पर भी सिलेक्शन कम कर रहे थे, और इस बार तो 2 लाख 2.5 लाख के अप्रॉक्सिमेट का फॉर्म भरा. तो इस बार तो नॉर्मल से बात है कि कम में ये नंबर होगा. और दूसरी नंबर बात कि इसमें अपसेट भी लड़का रखा है बिहार कोडिंग 2021 में, लड़का अपसेट भी है, बहुत अपसेट भी है. सॉरी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा. और आप लोग इतना मत तैयार है कि 4 रन्स आपका मिलने का संभावना है, 35+ पहुँचता है सॉल्व कीजिएगा. सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिल जाएगा आप लोग का. सिविल तो उतना नहीं बता सकते, 40+ होना चाहिए तो सिविल आपका मिल सकता है, बट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 35 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए उतना मिनिमल है कि आप लोग को मिल जाएगा. 35 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है, 100% श्योर है कि 35 क्वेश्चन में आप लोग का कोई ना कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और उसमें आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल मिल सकता है, कोई भी बिहार का एनी हो. और मैं बात कर लेकिन हम NGP पटना के लिए उतना उसमें कितना मार्क्स है, तो देखिए कितना भी 2 लाख लड़का में बहुत इतना ज़्यादा लड़का तेज है कि जो 60 क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे अधिक भी किया है, तो सॉरी तो उतना बहुत ज़्यादा जा सकता है उसका उसका कट ऑफ. गवर्नमेंट पटिंग कटा 13 में बहुत ज़्यादा तेज तेज लड़का है, तो उसमें बहुत कम चांस है कि 40% से 50% से आप लोग का उसमें कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए. और बट टॉप 10 में 50% में 45% में आप लोग का कम से कम सिलेक्शन हो जाएगा टॉप 10 के कॉलेज में. आप लोग को एक वीडियो जरूर दूंगा कि यहाँ पटिंग में टॉप 10 कॉलेज, ठीक है. और मेन बात कर ले कि हम आप लोग का रिजल्ट कब आने वाला है, आप लोग का रिजल्ट अगला महीने 15 तारीख से पहले आ सकता है, कभी भी अगला महीने 15 तारीख से पहले कभी भी आ सकता है. अक्टूबर में 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है, उसके एक सप्ताह बाद जो है 4-5 दिन बाद आपका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा. सो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा उतना, और तो गाइस आप लोग उतना टेंशन मत लीजिएगा, कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा. और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर से पढ़ रहा हूँ अभी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से. तो उतना टेंशन मत लीजिएगा और आप लोग का जल्द से जल्द कॉलेज मिले मिल जाए आई होप. सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.
तो गाइस आप लोग उतना टेंशन मत लीजिए, कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बक्सर से पढ़ रहा हूँ अभी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो उतना टेंशन मत लीजिएगा और आप लोग कल से जल्द कॉलेज मिले मिल जाए आई होप। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।